शाहरुख की पठान का बहिष्कार करे, जिस थिएटर में फिल्म लगे उसे फूंक दो, बोले अयोध्या के महंत राजूदा। क्या है पूरी अपडेट, चलिए हम आपको बताते हैं। अयोध्या के महंत राजूदास ने शाहरुख खान की फिल्म पठान का बहिष्कार करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं दर्शकों से अपील करता हूं, जिन थिएटर में पठान फिल्म दिखाई जाए उन्हें भी फूंक दो। राजूदास ने बॉलीवुड और शाहरुख खान पर लगातार सनातन धर्म का मजाक बनाने का आरोप लगाया। वहीं अयोध्या के महंत राजूदास ने कहा, बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस प्रयास में रहता है कि किस तरह से सनातन धर्म का मजाक बनाया जाए, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाए। पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण के द्वारा बिकनी पहनकर साधु संतों और राष्ट्र के रंग भगवा को ठेस पहुंचाई गई है, ये काफी दुखद है। राजूदास ने आगे कहा कि शाहरुख खान लगातार सनातन धर्म का मजाक उड़ाते रहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या जरूरत थी कि फिल्म में भगवा का इस्तेमाल बिकनी के तौर पर करके और नंगा प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने कहा कि ये काम भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया। राजूदास ने आगे ये भी कहा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि वे फिल्म का बहिष्कार करें और जहां भी फिल्म लगे उस थिएटर को ही फूंक दे। उन्होंने कहा कि जैसे को तैसे की तरह व्यवहार होना चाहिए। गौरतलब है कि शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होनी है, लेकिन इससे पहले ये फिल्म विवादों में आ गई है। वेल, आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर को लेके कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।